गाइस, तो बाइक हमारी पूरी तरह से गंदी नहीं हुई थी। अब इसको हम खुद अपने आप गंदी करेंगे और फिर उसके बाद ले जाएंगे धुलवाने के लिए, क्योंकि पैसे पूरे पड़ते हैं तो वसूल तो होने चाहिए ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, जो भी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और फाइनली अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले लेते हैं डाइट और फिर उसके बाद करते हैं चाय और नाश्ता। तो गाइस अभी खाते हैं भीगे हुए चने मूंग। गाइस तो फाइनली भी चना खा चुके हैं, अभी आधे घंटे बाद चावल पीते हैं। गाइस तो अभी चावल पी चुके हैं। गाइस हम सोच रहे थे अपनी बाइक को धुलवा देते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा गंदी तो है नहीं, पहले इसको गंदी करते हैं उसके बाद इसको धुलवाते हैं, क्योंकि पैसे पूरे पड़ेंगे ना। तो अभी इसको गंदी करते हैं पहले, फिर इसके बाद इसको धुलवाएंगे। तो अभी चलाते हैं अपनी बाइक को और पहले हम निकालेंगे इस वाले रास्ते से, देखते हैं इधर कैसा क्या है, पता लगे ज़्यादा गाड़ी। हमने इधर से बाइक निकाला तो बहुत ही आसानी से निकल गई थी, अब हम निकालेंगे इस वाले रास्ते से, पहले 20 से निकाल के देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ था, एकदम दलदल टाइप का था, लेकिन फिर भी बाइक निकल गई। और इसकी हालत देखो एक बार में कैसी हो गई है, काफ़ी गंदी हो गई है यार, हमारे पैर भी गंदे हो गए हैं और आगे वाला पहिया देखो पूरा गंदा हो चुका है। यहाँ पर देखो इधर का पूरा गंदा हो चुका है। अभी चलते हैं थोड़ा आगे और अभी चलते हैं थोड़ा आगे। इसमें कितना दम है? इसमें से काफ़ी आसानी से निकल गई है, इसी में से फिर से दोबारा निकाल के देखते हैं। अब की बार ऐसे निकालेंगे सीधे सीधे। गाइस तो बाइक हमारी पूरी तरह से गंदी नहीं हुई थी, अब इसको हम खुद अपने आप गंदी करेंगे और फिर उसके बाद ले जाएंगे धुलवाने के लिए, क्योंकि पैसे पूरे पड़ते हैं तो वसूल तो होने चाहिए ना। अब पहले इसको गंदी कर लेते हैं कायदे से। ये देखो पूरी तरह से बाइक गंदी हो चुकी है, अभी चलते हैं इसको धुलवाने के लिए, देखेंगे वहाँ के लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं धुलवाने के लिए बाइक को। तो हमने अपनी बाइक को खड़ी कर दिया है धुलवाने के लिए, और भाई साहब पूछ रहे थे क्या बात है भाई, बाइक को तालाब में कुदा दिया था क्या? हमने कहा नहीं यार, बोल रहे थे काफ़ी गंदी है। तो भाई साहब अभी बाइक को धुल रहे हैं, तब तक वेट करते हैं थोड़ी देर। और फाइनली हमारी जो बाइक है वो धुल चुकी है, बाइक धुल के रेडी हो चुकी है और अभी चलते हैं अपने घर। गाइस तो फाइनली बाइक धुलवा के आ चुके हैं अपने घर, यानी अपने दोस्त के घर। ये देखिए, तो अभी चलते हैं अपने घर। तो फाइनली भी गाइस आ चुके हैं अपने घर। तो गाइस अभी खाना पीना खाते हैं फिर चलते हैं अपने मेडिकल पे। तो गाइस अभी खाते हैं छोला चावल और पूड़ी। अभी खाना पीना खा चुके हैं और अभी चलते हैं अपने मेडिकल पे।
गाइस तो अभी आ चुके हैं अपने मेडिकल पर। तो गाइस अभी आ चुके हैं मेडिकल से अपने घर। गाइस ये रही हमारी स्प्लेंडर धुलने के बाद, देखो कितनी प्यारी लग रही है देखने में यार, काफ़ी चमक रही है स्प्लेंडर। भाई सबसे प्यारी बाइक तो सबसे अच्छी हमको स्प्लेंडर ही लगती है, देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है बाइक। गाइस तो अभी खाना पीना खाते हैं, लगभग 11 बज चुके हैं। तो गाइस ये रहा डिनर, सब्जी और रोटी। तो फाइनली भी डिनर हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 12। तो फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, आप लोग बताना कमेंट में कि स्प्लेंडर प्लस की आपको ऑफ रोडिंग कैसी लगी। ठीक, ओके, बाय।